23 जुलाई को होने वाले आम बजट का राजधानी रांची के लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है। महिलाओं को उम्मीद है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में जनता के हितों का ध्यान रखेगी, साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार के किचन के बजट का भी ख्याल रखा जाएगा। रांची के सिटी बस में राजधानी वासियों से बजट पर चर्चा की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करने जा रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को रखेंगी। जाहिर है कि देश भर को इस बजट का इंतजार है। हम जानेंगे कि राजधानी रांची के लोग इस बजट का कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम चूंकि आम बजट है तो जाहिर है कि सवारी भी आम होनी चाहिए, लिहाजा इस समय हम सिटी बस में करेंगे। बोले 23 जुलाई को जो बजट आ रहा है, राजधानी रांची के लोगों का इंतजार कितना है, क्यों? इंतज़ार तो बहुत बेसब्री से है। हम लोग चाहते हैं कि ये बजट आए और ये बजट जो है ये आम नागरिकों के लिए एक अच्छा सुनहरा पल लेकर के आए। कर लेते हैं, महिलाएं अपनी बात खुद करेंगी। बजट का मामला है, बोले आम बजट आ रहा है 23 जुलाई को, महिला जो हैं वित्त मंत्री महिला ही हैं, तो कितना आशा कर रही हैं? चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ बजट अच्छा हो। अभी देखिए जो राशन पानी है, खाने की जो सामग्री है, जो हम खरीदारी करते हैं, सब में GST लगा हुआ है। ये GST हटना चाहिए क्योंकि ये खाद्य पदार्थ तो सबों के लिए है, आम आदमी हो या खास आदमी हो। इसको लेकर संजीदा हैं सर, बोल रहे हैं कि सिटी बस में बैठे हैं, बस चल रही है, क्या लगता है बजट भी तेज रफ्तार से भागिया लेकिन आम आदमी के कुछ ठहरा होगा, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हम लोग करके ही सरकार बना रहे हैं, लेकिन जो भी सिटी बस है और भी सुविधा है शहर में होती है, तो मेरा कहना ये है कि बजट में जो कुछ भी हो उसमें सस्ता हो या महंगा हो लेकिन पारदर्शिता जरूर। कितना इंतजार है राजधानी रांची की महिलाओं को बजट का, क्या चाहती हैं बजट में आपके लिए क्या हो? हमारा रसोई गैस हुआ, सब्जी अभी बहुत महंगाई है और कुछ भी सब कुछ है, सब में तो बढ़ता ही जा रहा है हर चीज़ में ही, तो हम लोग को यही सब सुविधा चाहिए और क्या चाहिए। और जो जैसा इन्होंने कहा पारदर्शिता होना चाहिए। आज क्या बता रही है कि बजट से क्या चाहती हैं? थोड़ा सस्ता चाहते हैं, खाने पीने में सब कुछ, हर कुछ में इतना ज़्यादा महंगाई हो जा रही है कि हम जनता कैसे खाएंगे पिएंगे, थोड़ा गरीबी लोग भी ऐसे भी कैसे। कॉस्मेटिक के सामान में कुछ आ रहे हैं क्या? हम चाहेंगे, काहे नहीं चाहेंगे, एकदम चाहेंगे, हर कुछ में भी रिचार्ज भी इतना ज़्यादा कर दिया, अचानक से इतना बढ़ा दिया है। राजधानी रांची जो है बजट से राजधानी रांची के लोगों को खासी उम्मीदें हैं और लोग ये चाहते हैं कि वास्तव में बजट में उनके लिए कुछ हो, क्योंकि आम आदमी की बात है, आम बजट है तो जाहिर है खास बातें नहीं हैं, वही बातें हैं जिससे उनकी गृहस्थी दौड़ सके। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और पटना से एक बड़ी खबर, गुलाब यादव के ठिकाने पर छापेमारी। गुलाब यादव के ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ी। झंझारपुर के पूर्व विधायक हैं गुलाब यादव। झंझारपुर, पटना और पुणे में छापेमारी। ईडी की अलग अलग टीम छापेमारी में जुटी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी, ये बड़ी खबर। झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकाने पर ईडी ने रेड की है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए गुलाब यादव के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये गुलाब यादव जो है मधुबनी जिले के झंझारपुर के विधायक हैं और इस बार भी लोकसभा चुनाव में इन्होंने बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ा था लोकसभा का, लेकिन इन्हें हार देखना पड़ा। और इनके तीन ठिकाने हैं, झंझारपुर जो है इनका जो क्षेत्र है, वहाँ के गंगापुर इलाके में इनका एक घर है, वहाँ रेड हुई है ईडी की। दूसरी छिपवाड़ी पटना में बताई जा रही है और तीसरी छिपवाड़ी जो है वो पुणे में बताई जा रही है। पुणे में जो जानकारी है कि इनका एक आलिशान बंगलो है और वहीं इनके कई कारोबार चलते हैं, तो वहां पे भी ईडी की टीम जो है वो दबिश दी है। अलग अलग टीमें जो है वो दिल्ली में ईडी के कार्यालय में, मुख्य कार्यालय जो है वहां से गठित की गई और वहीं पूरी जो स्टडी जो है वो तैयार की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है और उसी मामले में जो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज और जानकारी ईडी को हासिल हुई थी, उसके बाद एक टीम का गठन किया गया, तीन अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और ये तमाम तीन टीम जो है वो तीन ठिकाने पे पहुंची है, जहां झंझारपुर के गंगापुर स्थित आवास, पटना और पुणे में जो है छापेमारी चल रही है। फिलहाल छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है इसकी जानकारी नहीं दी गई है ईडी की तरफ से, लेकिन देर शाम तक हो सके तो ईडी की तरफ से ये जानकारी साझा भी की जाए कि जो छापेमारी की गई है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जो ये छापेमारी की गई है उसमें क्या कुछ हासिल हुआ है और कितने का
घर चोरी का मामला बनता है इनके ऊपर, आज से अधिक कितने की संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखी है, तो इसको जब डिटेल जानकारी आएगी तो वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि गुलाब यादव जो विधायक हैं झंझारपुर मधुबनी जिले से, उनके तीन ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। ये भी बताते चले कि गुलाब यादव जो हैं वो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जो हैं ललित यादव उनके भाई हैं और दोनों ही राजनीति में एक बड़ा पैठ रखते हैं, ऊंचा कद है दोनों का, और ललित यादव हो या फिर गुलाब यादव दोनों जो है बिहार की सियासत में बड़ा नाम है। और फिलहाल झंझारपुर का जो मकान है वहाँ पे और पटना और पुणे में ये छापेमारी चल रही है। ईडी की, ठीक है, मैं बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए तीन जगहों पर छापेमारी चल रही है ईडी की गुलाब यादव के ठिकानों पर। और रामगढ़ से एक बड़ी खबर, बरकाकाना जंक्शन पर सीबीआई की कार्रवाई, परामू एक्सप्रेस में सीबीआई की छापेमारी, ट्रेन से अवैध शराब बरामद किया गया, कोच अटेंडेंट को हिरासत में लिया गया है। पलामू एक्सप्रेस में सीबीआई की छापेमारी, ये बड़ी खबर रामगढ़ से सामने आ रही है। बरकाकाना जंक्शन पर सीबीआई ने कार्रवाई की, पलामू एक्सप्रेस में ट्रेन से अवैध शराब बरामद किया गया है, कोच अटेंडेंट को अब हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है रामगढ़ से, बरकाकाना जंक्शन पर सीबीआई ने कार्रवाई की और बता दें कोच अटेंडेंट को हिरासत में ले लिया है चूंकि शराब की बरामदगी हुई है ट्रेन से। पलामू एक्सप्रेस में सीबीआई ने छापेमारी की और वहां से अवैध शराब बरामद किया गया। हजारीबाग पुलिस और यूपी की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन किया, नगवा के लक्ष्मी लाइन होटल पर छापा मारा गया। इसमें छह आरोपी पकड़े गए हैं और इनके पास से 4 किलो 80 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। इसकी कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है मार्केट में। साथ ही पुलिस ने नशे के सौदागरों के बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश करने का दावा किया है। हमने लक्ष्मी लाइन होटल जो NH 33 पे लोकेटेड है वहां पे हमने अपने छापेमारी टीम को रखा था। सामने से हमें एक स्विफ्ट गाड़ी और दो बाइक, एक शाइन और एक स्प्लेंडर प्लस आते हुए दिखे थे, जिसमें कुल 6 लोग थे। गाड़ी में 2 लोग और दोनों बाइक पे 2 लोग। उनको रोक के जब हमने विधिवत उनकी तलाशी ली, तो हमें ये पता चला कि कुल चार किलो अस्सी ग्राम ब्राउन शुगर को हमने जब्त किया। गाड़ी से 2 किलो जब्त की गई और एक बाइक से 1 किलो और दूसरे बाइक से 1 किलो 80 ग्राम को जब्त। कोडरमा और गिरिडीह जिला प्रशासन की संयुक्त छापेमारी में भ्रूण जांच कराने वाले गिरोह को दबोचा गया है। महिला प्रशासनिक अफसर को ग्राहक बनाकर सरिया भेजा गया, बदले में 3500 रुपए मांगे गए। तभी सरिया में मेडिकल शॉप के पीछे चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा गया। इसी दौरान युवक और उसके सहयोगी को पकड़ा गया और मशीन भी जब्त कर ली गई। छापेमारी की और उसके बाद छापेमारी में लिंग जांच करते हुए बिंदी सिंह उर्फ पांडे पाया गया, तो उसे गिरफ्तार किया गया और जो मशीन थी पोर्टेबल मशीन उसको सीज किया गया, उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। और जो सफलता इसलिए की चूंकि लिंग जांच बहुत संज्ञेय अपराध है, इसमें टीम बहुत पहले से लगी हुई थी। PCPND की जो हमारी ब्लड सर्विस टीम है जिसमें सिविल सर्जन है, SDO है और अन्य डॉक्टर्स हमारे, वो सब लगे हुए थे। और इसमें हम लोगों को जो 2-3 दिन पहले सूचना प्राप्त हुई उसमें एक डिकॉय ऑपरेशन कराया गया और यहाँ से टीम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे भी ट्रेस करते हुए साथ में सरिया तक उन्होंने ट्रेस किया है और वहाँ पे जो व्यक्ति है जो ये सब काम करता था वो वहाँ पकड़ में आया है और उसको पुलिस की हिरासत में लिया गया है सरिया थाना में। गिरिडीह के सिंहोटी में बड़ा हादसा हो गया, आशीर्वाद रिजॉर्ट के सामने काम करने के दौरान बिजली के करंट से 2 मजदूर की मौत हो गई। इस सनसनीखेज हादसे को लेकर के रिजॉर्ट के आसपास चीख पुकार मच गई। आशीर्वाद रिजॉर्ट में विवाह समारोह को लेकर सजावट का काम चल रहा था, कुछ मजदूर गली में डेकोरेशन का सामान खोल रहे थे, तभी ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तार के वो संपर्क में आ गए और बिजली के झटके से दोनों बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। घटना को लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है।
पहुंचे थे साथ चल रहा था, साथ चलने के बाद उसका है साथ चलने बताया गया सब आदमी को हॉस्पिटल वहाँ डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर बोला क्या मालूम है कि मर चुका है। डॉक्टर यहाँ इधर बुला रहा उधर बुला इधर चले जाओ फ्री करते हैं, पैसा नहीं मिलता गवर्नमेंट पैसा नहीं मिलता उन लोग को।